फिर से स्वागत है ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका, और अब बढ़ेंगे आगे बात करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने 161 करोड़ से ज्यादा की 124 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, साथ ही लाभुकों के बीच में परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में विकास की लंबी लकीर खींची जाएगी। धनबाद को सीएम हेमंत सोरेन की बड़ी सौगात, 124 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन, 18,946 लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण, 174 अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद को 161 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी है। गोल्फ ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने 106 योजनाओं का उद्घाटन और 118 योजनाओं का शिलान्यास किया, साथ ही 18,946 लाभुकों के बीच करीब 49 करोड़ की परिसंपत्ति का वितरण किया। कार्यक्रम में 174 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इस मौके पर धनबाद के प्रभारी मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कोरोना काल में केंद्र के सौतेले व्यवहार के बावजूद सरकार ने बेहतर काम किया, सीएम जनता की तकलीफें दूर करने में लगे हैं। दुनिया जो है कोविड के मार में, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया जो है पूरी परेशान थी। माँ और पिता के रिश्ते जो है वो जो है खून के रिश्ते कमजोर हो रहे थे। उस समय मुख्यमंत्री जी ने इस झारखंड के लोगों के साथ अभिभावक बनकर उनको जो है हृदय से लगाने का काम किया, और पूरे भारत में हर जगह पर आपने देखा कि कोविड में लोगों ने लाशों को नदियों में बहाने का काम किया, लेकिन झारखंड, जबकि हमारा केंद्र ने हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया, इसके बावजूद भी हमने हमारे सीमित संसाधनों में भी भारत सरकार को भी ये कहना पड़ा कि कोविड में जिस तरीके से काम झारखंड ने किया वो काम दूसरे राज्यों ने नहीं किया है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने मटकुरिया से आरा मोड़ तक फ्लाईओवर बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसे लेकर डीपीआर बन रहा है। सीएम ने कहा कि गया पुल को भी चौड़ा किया जाएगा। ये मटकुरिया से आरा मोड़ तक लगभग 3.5 किलोमीटर का ओवरब्रिज फ्लाईओवर बनाने का निर्णय सरकार ने लिया है, और इसका डीपीआर बना करके और रेलवे के साथ संपर्क करके बहुत जल्द उस समस्या का समाधान हम लोग करने जा रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पर गोविंदपुर से महुदा मोड़ तक जो धनबाद शहर में धनबाद रेलवे स्टेशन के बगल से जो गया रेलवे ओवरब्रिज है उसका चौड़ीकरण भी बरसों से इसकी मांग की गई थी, वो भी बहुत जल्द करने का निर्णय लिया गया है। उसके लिए भी सारी प्रक्रियाएं लगभग पूरी कर ली गई है। सीएम ने कहा कि सरकार की कोशिश ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर है। उन्होंने कहा कि धनबाद की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, साथ ही विकास की एक लंबी लकीर खींचने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है। सरकार घर घर लोगों को खोज कर पेंशन दे रही है। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी पेंशन में अड़ंगा लगाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, सभी लोग, बूढ़ा बुजुर्ग लोग को हम बताते हैं, और जो लोग नहीं आ पहुंचे हैं आप लोग अपने गांव में लोगों को खोजिए, कौन 60 साल से अधिक उम्र का है, और उसका जाके कार्ड बनवाइए, उस बुजुर्ग को भेजिए। अगर कोई पदाधिकारी मना करेगा तो निश्चित रूप से उस पदाधिकारी को दंडित भी किया जाएगा। इसलिए कोई राज्य में बिना पेंशन का ना रहे, ये हमारा संकल्प है। कार्यक्रम में सीएम ने जहां अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई वहीं केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। सीएम ने कहा कि अब हर सप्ताह नियुक्ति पत्र का वितरण किया जा रहा है, इस हफ्ते भी नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। कार्यक्रम में जेएमएम और कांग्रेस के कई विधायक मौजूद रहे। न्यूज 11 भारत के लिए धनबाद से विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।